अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, लेकिन देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं शाम के 7 बजे बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं। अभी जस्ट आलिया स्कूल से आई है, अभी 3:15 बज रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं तो तेज़ वाली बारिश हो रही है, ये देखो। और पहले हवा चली है, काले बादल हुए, और लेकिन जो है ना, अभी हम ना आज मार्केट गए थे ग्रोसरी लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है ना इतनी तेज़ धूप थी ना, मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी गाड़ी के अंदर भी। और मैं बस इनसे यही बात कर रही थी कि आज है ना, मतलब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं आज से, और पसीना आ रहा था। लेकिन घर आया, बस मैंने सामान ही रखा है और मौसम ना एकदम से चेंज हो गया, काले काले बादल आ गए। और अब देखो, ऐसे हमारे स्कूल में हुआ था। मतलब 1 घंटे बाद ना बारिश हुई है, तेज हवा चली, तो ये देखो पूरा गेहूं ना फैल गया है। ये देखो अभी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था पूरा गेहूं, लेकिन अब जो है ना फैल गया पूरा, ये देखो। मम्मा बताए, एक कप काले बादल थे, एक कप सफेद थे। मतलब ये लेट गया है, क्योंकि इधर से ही ना हवा का झोंका एकदम से चला था, हवा ना इस साइड ही थी, तो उधर साइड ही ना पूरा गेहूं लेट गया, ये देखो। और जो है ना, हम इधर की साइड से आ रहे थे ना, इधर की साइड भी खेत है आगे की साइड, वहां पे ना सरसों कट के रख गई है बेचारों की, तो इनके लिए नुकसान है, क्योंकि फसल लगी है तो ठीक है अभी, लेकिन गेहूं के लिए तो शायद ठीक है, क्योंकि गेहूं में शायद पानी लग रहा है इस टाइम पर। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जितना मैं देखती हूँ उतना मुझे नॉलेज हो गई है, लेकिन ये सरसों है ना, ये सूख गई है, तो ये कटने का टाइम है सरसों का, और कुछ खेतों में तो कट भी गई है, तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि रखी हुई फसल जो है ना पानी से बहुत जल्दी खराब होती है। तो अब बेचारे जो भी इंतजाम करेंगे, लेकिन बस ये बारिश जो है ना ज्यादा ना हो, थोड़ी बहुत ही होके रह जाए। ये देखो, तो आज का मौसम कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है एकदम से, मतलब। तो बस आलिया भी आ गई है स्कूल से, अभी आई है थोड़ी देर पहले ही, 5-10 मिनट हुए। बिजली की आवाज आप सुन ही रहे हैं, कितनी तेज बारिश। कितनी तेज जो है ना आवाज आ रही है। तो चलो बस रोटियां सेकनी है, क्योंकि जब मैं मार्केट गई थी तो मैं सब्जी तो जो है ना बना कर गई थी, और अपना सारा काम करके गई थी, बस रोटियां नहीं बनाई थी, तो रोटी सेक लेते हैं। और जो है ना राशन मैंने ला के सारा भर दिया, वीडियो वीडियो नहीं बनाई, बस अभी मौसम दिखाना था तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है। तो चलिए फिलहाल अब सेक लेते हैं रोटी। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, और हम लोग जा रहे हैं शादी अटेंड करने। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बारिश में भी शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो जी जरूरी था, तो क्योंकि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि हमें खुद ब खुद मिलते हैं, हमें माँ बाप की तरफ से, हमारे ससुराल की तरफ से, लेकिन कुछ रिश्ते हमें ऐसे मिलते हैं कि हम वो खुद कमाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उनमें से ही ये रिश्ते हैं जो कि हमें मुरैने आकर कुछ ऐसे रिश्ते मिले हैं, तो उनमें से ही एक ये है। तो इनसे कुछ पेपरों के सिलसिले में मुलाकात हुई थी इनकी, और फिर धीरे धीरे जान पहचान हुई, तो इन्होंने जो है ना हमें इनवाइट किया अपनी बेटी की शादी में। तो वैसे तो हम लोगों का ये था कि मना हो गई थी, बारिश हो रही है नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ख्याल आया कि पहली बार हमें किसी ने इतनी मोहब्बत से बुलाया है तो जाना चाहिए, तो बस इसीलिए फिर हमने प्लान कर लिया शादी में जाने का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मैरिज गार्डन पे, तो ये है गुलाब गार्डन यहाँ का, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं गाड़ी में ही, क्योंकि बारिश हो रही है, तो अभी पापा गए अंदर देखने के लिए क्या हो रहा है, फिर आते हैं, फिर हम लोग अंदर जाएंगे, अभी जब तक के लिए हम गाड़ी में ही बैठे हैं। ये सो दफे लिप ग्लॉस लग गई जब से तैयार हुई है ना, 10 बार 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 मैं बार बार लगाती हूँ। सवाना मुरैनी की शादी कितनी साल बाद अटेंड कर रही है, बहुत टाइम बाद। जीसन की शादी करी है, और कोई की शादी में नहीं आई, करती नहीं हूँ मैं जाके। और कोई की शादी में नहीं आई सवाना, पहली बार शादी में आई। और पीछे जो कौन कौन बैठा है, आज पीछे 4 लोग गए। हम लोग फोटो खींच रहे हैं, दोनों ने आज पहनी है हल्दी की ड्रेस, हल्दी में आएंगे आज। तीन जने आए हल्दी में,
और कौन आया? मैं भी पीले पहन के, तू भी हल्दी सूट पहन के आई है, मैं भी पीले ही पहन के आई है। मैं तो नहीं, हमारा मल्टी कलर है, कोई नहीं कह सकता हल्दी का। सही है, कि हमने हल्दी में पहना, हम ब्लैक पहन के आए। बारिश में अगर कहीं जाओ तो ब्लैक नहीं लगा, बिजली कट गई तो वहाँ बज रही, एक गिर गई बिजली, ऐसे नहीं गिरती। अस्तगफुल्ला, वो तो रज्जे तो बस रज्जे में आएंगे, रज्जे में पहनते वहाँ गुना में काला उसके। जे भी कोई बात है, पहली बार इसमें काले आए हैं। तो बस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप देख ही रहे हैं कि बारिश अभी भी हो रही है। ये अच्छा है कि इस वाले गार्डन में जो है ना टीन सेट है पूरे में, तो उससे जो है मतलब आधे गार्डन खुला हुआ है और आधा गार्डन में जो है ना टीन सेट है, तो उसके नीचे ही सारी व्यवस्था की गई है। वरना जो है ना काफ़ी सारे ऐसे गार्डन होते हैं खुले हुए ओपन, जिनमें कोई व्यवस्था नहीं होती, तो उनमें तो और ही मतलब परेशानी आ जाती। तो लेकिन बस ये कि देख कर थोड़ा सा ये बुरा लग रहा था कि लड़की और लड़के वाले कैसे मैनेज कर रहे होंगे। मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब अगर बारिश हो जाए शादी में। हमारा कोई भी फंक्शन हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, उसमें भी हमें दिक्कत लगने लगती है, अरे बारिश हो गई, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, फिर ये तो शादी है। बस ये है कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे और इनकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आए। तो बस अभी हम लोग अंदर आ गए और अभी खाना चल रहा है, तो एक साइड ये खाना चल रहा है, एक साइड उनकी स्टेट बनी हुई है। और ये जो है ना हम नॉन मुस्लिम के यहाँ पर शादी में आए हैं और बस नौका ये जो लड़की को गिफ्ट देना है वो भी मतलब अभी ऐसे ही पैक रखा हुआ है, अगर पानी नहीं बरस रहा होता तो वो अच्छे से उसको सजाते रखते। लेकिन वही है कि जैसी बारिश हो रही है उसी तरीके से मतलब शादी उसी तरीके से सिंपल सोबर सी हो रही है उनकी। लेकिन बस ये कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस अभी हम लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि खाना चल रहा है, स्पेस उतना ही है क्योंकि बारिश की वजह से, वैसे तो गार्डन काफ़ी बड़ा है लेकिन बारिश की वजह से ना छोटा स्पेस रखा है। तो बस अभी हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। तो बस अभी ये सब लोग आ गए हैं अंदर दुल्हन और दुल्हा को देखने के लिए। तो मैं नहीं आई हूँ क्योंकि मैं बाहर जो है ना इनके और पापा के साथ जो है ना, जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब भी लड़की की शादी में जाते हैं तो हम लोगों के साइड बुहार चलता है, मतलब कैश चलता है, तो जो भी मतलब जितना भी हमारी इच्छा हो उतना हम दे दें, तो बस वही मैं लिखवा रही थी, दे रही थी, तो इसको बुहार बोला जाता है हमारे साइड हर शादी में, आप लोगों को बता दी, तो इसलिए मैं अंदर नहीं आई थी। ये लोग अंदर आ गए थे तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से जो दुल्हन है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन बस उनके चेहरे पर उदासी थी। और वो लोग जो है ना वहाँ पर यही बातें कर रही थी कि बारिश ने ना सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है, लेकिन वहाँ पर क्या है साउंड आ रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर दी है। और बस यहाँ पर ये दूल्हा है जो कि बारात आ चुकी है और दूल्हा भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, हमेशा खुश रहे, खूब सारी खुशियाँ मिले। तो बस यहाँ पे ये लोग देखने ही आए थे और अक्सरा ने जो है ना वीडियो शूट की थी तो फिर मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और आप लोग भी बताना कैसी लग रही है जोड़ी। तो बस इसके बाद जो है ना अभी हम लोग जाएंगे घर क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो बस अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और बारिश जो है ना अभी थोड़ी सी थम गई थी, तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और थोड़ी देर हम लोग रुके थे, बातें बातें की थी अंकल से जिनकी मतलब जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, जिनकी लड़की की शादी में हम लोग आए थे, तो बस उनसे बातें ही कर रहे थे। और बस अभी हम लोग बाहर आ चुके क्योंकि ये गाड़ी जो है ना बैक कर रहे थे और इस टाइम पर जो है ना बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई थी, लेकिन जब हम घर गए ना तो वापस से बारिश होने लगी थी। तो बारिश ने तो आज ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ही हुई है बिन मौसम बारिश। और बस यहाँ पे जो है ना सभी लोग खड़े हुए हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कुछ बोल रही थी लेकिन जो है ना साउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से जो है ना मैं वॉइस ओवर करना पड़ी, वरना मैं जो है ना सोच रही थी कि आपको ओरिजिनल वॉइस में ही वीडियो दूँ, लेकिन वही होता है ना कि साउंड आता है, नॉइस आती है, तो फिर जो है ना मैं
वॉइस ओवर करना पड़ता है। बस यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है और बस वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए इधर, तो चलें घर पे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, सभी लोग बाय गार्डन। पीछे वाले पीछे बैठो, चलो जल्दी से चलो पीछे 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 किसको। देखो ये है सोना वाली और बाजी कपड़े चेंज कर रही हैं इनाया के। इमरान देख इनाया ने फ्रॉक गीली कर ली है। इमरान तो बस बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बस इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ कि अब चलते हैं घर, काफ़ी लेट हो गया है। और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।